ललितपुर सदर अस्पताल में बदहवास हालत में बेड पर पड़ी यह नाबालिग लड़की कक्षा 9 की छात्रा है। इसको इसके टीचर ने ही विद्यालय में अपनी हवस का शिकार बना डाला। टीचर के इस कृत्य से क्षुब्ध होकर छात्रा ने घर पहुंचते ही सुसाइड नोट लिखकर जहर खा लिया। इस सुसाइड नोट में लिखा है, पापा मरने के बाद इस टीचर को भी मौत की सजा दिलाना। अचानक बेटी की हालत बिगड़ते देख घर वाले घबरा गए और इसको अस्पताल लेकर भागे। यह नाबालिग अभी भी बदहवास हालत में है, लेकिन अपने साथ हुई हैवानियत को बयां कर रही है। मेहरौनी थाना क्षेत्र के सरदार पटेल इंटर कॉलेज में टीचर द्वारा बेटी के साथ यह घृणित कृत्य किए जाने से इसकी मां सदमे में है और आरोपी टीचर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। सरदार पटेल स्कूल में बच्ची पढ़ने जाती थी, पहुंचाते हैं हम रोज की तरह पहुंचाते हैं, वो ये थोड़ी जानते हैं कि स्कूल में ये भी काम होते हैं। हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, इसलिए उसने जहर खा लिया। गला नहीं आई, उसने जहर खा लिया, किसी से कुछ नहीं बताया, उसने आनकर जहर खा लिया। किसने किया? उनके टीचर ने किया है। क्या नाम है टीचर? कलू कहते हैं, नाम का पता नहीं क्या नाम है। किस क्लास में पढ़ती है बच्ची, कितनी उम्र है? 9वीं में पढ़ती है, 12-13 साल की बच्ची है, बाल नाबालिग है। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो चुकी है, इंसाफ चाहते हैं। नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची हुई है और तहरीर मिलने पर आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कर रही है। नाबालिग छात्रा हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या पूरा मामला है, आपकी बातचीत हुई है, क्या बताएं? सबसे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक बच्ची यहाँ जिला अस्पताल में कुछ जहरीला पदार्थ खा करके भर्ती हुई है। अभी तक उसकी कोई तहरीर FIR नहीं मिली है। उसी व्हाट्सएप की सूचना के आधार पर जिला अस्पताल आए हैं और यहाँ उस लड़की से बातचीत हुई है। उसने अपने साथ जो घटना घटी है उसके बारे में बताया है। उसके पिता अभी यहाँ नहीं मिले हैं, पता चला है कि वापस गांव चले गए हैं। उसकी माँ से बातचीत की जा रही है और तहरीर लेकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जैसे उसने एक टीचर पे आरोप लगाया, स्कूल में बलात्कार की घटना हुई, रेप पीड़िता है और उसके जो है बेइज्जती के डर से उसने जहर खा लिया, तो तहरीर मिल जाए हमको। अगर तहरीर में उस टीचर का नाम लिखा जाएगा या जिसको भी इंडिकेट किया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई। जिस तरह के हालात अब स्कूलों के हैं और आए दिन स्कूलों में जिस तरह की खबरें आती हैं, हर एक बच्चे का परिजन जब तक बच्चा घर ना पहुंच जाए दहशत में रहता है। और जिस तरह का कृत्य ललितपुर में एक टीचर द्वारा किया गया है, उससे गुरु और शिष्य का रिश्ता तार तार तो हुआ ही है, साथ ही इंसानियत भी शर्मसार हुई है। ललितपुर से नितिन गिरी, News 75.in।